गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम सब गणित पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों? कक्षा चार विषय गणित अध्याय 11 भिन्न। मेरा नाम बाला कुमारी है और मेरे साथ दीपमाला शर्मा है, ठीक है बच्चों? सभी ध्यान से देखेंगे। भिन्न, देखो बच्चों, ये एक सर्किल बना हुआ है जिसमें एक कॉर्नर, एक कोना जिसमें कलर हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? एक चौथाई। इसी तरह नीचे देखो, एक गोल सर्किल बना हुआ है, उसका आधा भाग रंग बिरंगा है और आधा खाली है, उसको हम कैसे लिखेंगे? आधा, 1/2। समझ में आया बच्चों? इसी तरह नीचे देखो, ऐसा ही गोला बना हुआ है जिसका 3/4 भाग में रंग भरा है, उसको हम कैसे लिखेंगे? 3/4। तब है बच्चों, आगे बढ़े। भिन्न, देखो बच्चों, ये गोला पूरी तरह से रंग भरा हुआ है, दूसरे गोले में आधा भरा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डेढ़, 1/2। समझ में आया बच्चों? गणित में हम डेढ़ कैसे लिखते हैं, ठीक है? नीचे देखो बच्चों, ये 3 गोले बने हुए हैं, एक पूरा रंग हुआ है, दूसरा भी पूरा रंगा हुआ है, तीसरा आधा रंगा हुआ है, उसको हम कैसे लिखेंगे? 2/1/2। इसको हम क्या बोलते हैं? ढाई। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। प्रश्न उत्तर, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखो। देखो बच्चों, नंबर 1, आधा, उसको हम संख्या में कैसे लिखते हैं? 1/2। समझ में आया? नंबर 2, 1/4, उसको हम कैसे लिखते हैं? 1/4। समझ में आया बच्चों? नीचे देखो, नंबर 3, 2/3, कैसे लिखेंगे उसको हम? 2/3। इसी तरह नंबर 4, 3/4, इसको हम कैसे लिखेंगे? 3/4। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। प्रश्न 2, निम्नलिखित भिन्न को शब्दों में लिखो। नंबर 1, 2/3, शब्दों में कैसे लिखते हैं? ये लिखा हुआ 2/3। समझ में आया बच्चों? नंबर 2, 1/1/2। बराबर डेढ़।
समझ में आ रहा है बच्चों? देखो नंबर तीन, दो सही एक बटा दो, इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? ये लिखा ढाई। नंबर चार, एक बटा सात बराबर शब्दों में लिखा एक बटा सात। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। प्रश्न तीन, निम्नलिखित भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। नंबर एक, देखो बच्चों, दो बटा तीन, उसके बाद पांच बटा तीन, उसके बाद एक बटा तीन, फिर सात बटा तीन। देखो इसको हल कर रखा है हमने, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है ढूंढो, एक बटा तीन, हमने लिखा एक बटा तीन। उससे थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, दो बटा तीन। समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद उससे बड़ी संख्या देखो, पांच बटा तीन, उससे बड़ी सात बटा तीन, हमने लिखी सात बटा। समझ में आए बच्चों? ठीक है बच्चों, शुरू करें। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक बटा, एक बटा सात, उसके बाद दो बटा सात, उससे बड़ी संख्या तीन बटा सात। देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पांच बटा सात। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित भिन्नों को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। नंबर एक, दो बटा चार, एक बटा चार, पांच बटा चार, तीन बटा चार। हल, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पांच बटा चार, हमने लिखी यहां पर, उसके बाद उससे छोटी संख्या तीन बटा चार। समझ में आया? उससे छोटी संख्या दो बटा चार, सबसे छोटी संख्या एक बटा चार। समझ में आया बच्चों? नंबर दो, एक बटा आठ, तीन बटा आठ, चार बटा आठ, दो बटा आठ। हल करें बच्चों, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ढूंढो, चार बटा आठ, उसके बाद तीन बटा आठ, उससे छोटी दो बटा आठ। अब सबसे छोटी ढूंढो, एक बटा आठ। समझ में आए बच्चों? आगे बढ़े। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न एक, मिलान करो। नंबर एक, एक बटा दो, नंबर दो,
1/4, नंबर 3, 3/4। देखो इस गोले में जहाँ पे आधा, 3/4 और 1/4 उनको मिलाना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आधा ये बना हुआ है, 1/2 से मिलाना है। मिलाएं बच्चों, देखो ध्यान से, ये मिल गया। नंबर 2, 1/4। अब इसको हम मिलाएंगे 1/4 भाग से, ये मिल गया। अब लास्ट में बचा 3/4, मिलाएं इसको, ये मिल गया। समझ में आया? आगे बढ़े बच्चों, प्रश्न 2। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखो। नंबर 1, आधा। आधा को भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे? 1/2। समझ में आया बच्चों? नंबर 2, 2/3। इसको हम भिन्न रूप में लिखेंगे 2/3। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से तुम सबको भी घर पर अभ्यास करना है और याद करना है। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू।